गोविंदगढ़ स्थित पुलिस थाने का भवन जर्जर हालात में होने के कारण पुलिस के जवानों में भय की स्थिति बनी हुई है। भवन की हालात इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उच्च अधिकारियों द्वारा इस भवन को नकारा भवन भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन पुलिस जवानों के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। साथ ही इस थाने में 23 जवानों के लिए मात्र 5 कमरे हैं, जिसके चलते ठहरने की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है। पुलिस थाने में कमरों के दरवाजे छोटे होने के कारण जवानों के सर में कई बार चोट भी लग जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रजवाड़ों के समय गोविंदगढ़ थाने के भवन का निर्माण हुआ था। निर्माण के बाद से ही परिसर की किसी ने सुध नहीं ली। थाने परिसर में लगभग छोटे छोटे 10 कमरे हैं, जिनमें 3 कमरे बैरक के रूप में काम आते हैं तो 2 कमरों में सामान भरा हुआ है। माल खाने में बैठने की जगह तक नहीं है। हालात ये हैं कि पुलिस के जवानों को बाहर खड़े होकर खाना खाना पड़ता है। पुलिस के जवानों को नहाने के लिए बाथरूम तक उपलब्ध नहीं है, जिससे पुलिस के जवान खुले में नहाते हुए नजर आते हैं। हालांकि थाने में 2 महिला कांस्टेबल भी कार्यरत हैं। पुलिस थाने के भवन का धरातल नीचे होने के कारण उसमें पानी भी भर जाता है। बरसात के दिनों में तो थाने परिसर की छत भी टपकती रहती है। थाना मेन बाजार में होने के कारण पुलिस द्वारा जब्त वाहन जगह के अभाव में थाने के सामने ही खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे थाने में परिसर के सामने जाम की स्थिति बन जाती है। थाने परिसर की छत के ऊपर खड़ी मोटरसाइकिलों और अन्य सामान से भवन के गिरने का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता है। इस मामले में CLG की बैठक के दौरान कस्बे के लोगों ने पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश को अवगत भी कराया था, जिसके बाद SP ने तुरंत समाधान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस संदर्भ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्याम सिंह का कहना है कि गोविंदगढ़ थाने की बिल्डिंग पुरानी है, जिसको वेरीफाई करवा लिया है। जमीन के आवंटन हेतु थाना अधिकारी द्वारा प्रयास किए गए हैं। पंचायत के पास इसका प्रपोजल है, जैसे ही पट्टा आवंटित होगा हमारे पुलिस मुख्यालय को भिजवा दिया जाएगा। गोविंदगढ़ थाने की बिल्डिंग पुरानी है और उसको PWD से वेरीफाई करा लिया है। ने जमीन के आवंटन हेतु थानाधिकारी द्वारा प्रयास किए गए और पंचायत ग्राम पंचायत में भी प्रपोजल है। जैसे ही पट्टा आवंटित हो जाएगी उसके प्रपोजल बना के पुलिस मुख्यालय भिजवा दिए जाएंगे और तभी जैसे ही सरकार स्वीकृत होगी तब ये भवन का शुरुआत कर देगी निर्माण की। पानी की तो जानकारी नहीं आई, रहने की जहाँ तक समस्या है तो वो वहाँ किराए रह सकते हैं, उनको किराया स्टाफ को मिलता है, किराया कोई दिक्कत नहीं है। शीघ्र ही प्रपोजल राज्य सरकार को पुलिस मुख्यालय के माध्यम से भिजवा दिए जाएंगे और बजट डाउन करवाते ही शुरू कर दिया जाएगा।